आमतौर पर अपने दुख के दिनों में लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, पर क्या यह प्रश्न सही है? क्या भगवान की शरणागति करने वाले को भगवान से ऐसी शिकायत करनी चाहिए? शरणागति के इस क्रम में आइए इस प्रश्न का उत्तर सुनें। हम शिकायत करते हैं भगवान से, भगवान ने हमारे जीवन में दुख ही दुख लिख दिए, ऐसा दुख भगवान ने हमको क्यों दिया, भगवान ने हमको दंड क्यों दिया। अब बताइए, हम फल भोगने के लिए राजी नहीं है। अरे भगवान ने नहीं दिया बाबा, भगवान ने आपके साथ ऐसा नहीं किया, क्यों भगवान को दोष देते हैं? हाँ ठीक है, आपको दंड दिया है तो उसके लिए भगवान दाई नहीं है। अब बताइए, एक अपराधी वो जज से जाकर कहे कि जज साहब, आप तो बिल्कुल मेरे दुश्मन हैं, जज साहब आपने मुझे ये दंड क्यों दिया? जज कहते हैं, भाई मैं क्यों ठहरा तुम्हारा दुश्मन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं भाई, तुम्हारे कर्म दिखाई पड़े, तुमने ये गड़बड़ियां की, खराब खराब बातें की और वो प्रमाणित भी हो गई, तो उस अपराध का दंड मुझको देना होगा, ये मेरी ड्यूटी है। तुम कोई मेरे दुश्मन नहीं हो, मेरा काम है तुमने क्या किया है उसको नोट करना, वो प्रमाणित हो रहा है तो उस हिसाब से दंड दे देना अपराध का। ठीक ऐसे ही भगवान वो न्यायी है, न्याय करते हैं। पुण्येन पुण्यलोकम नयति, पापेन पाप मुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम। तो भगवान हमारे कर्मों को नोट करते हैं और फिर फल भुगवाते हैं। भगवान हमारे कर्म के कर्ता नहीं है, हम स्वयं अपने कर्म के कर्ता हैं। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। ना मैं किसी से पाप कराता हूं, ना मैं किसी से पुण्य कराता हूं, मैं कुछ नहीं कराता, मैं किसी का गवर्नर करता नहीं बनता हूं, मैं वर्कर नहीं बनता हूं, मैं तो केवल न्याय करता हूं। ये वीडियोस हम आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों के आधार पर बना रहे हैं। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक हमें जरूर दें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक्स पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों को जरूर